YouTube क्लास पर आपका स्वागत है दोस्तों। जो आज मैंने वीडियो बनाया है वो बनाया मैंने राजस्थान में क्यों होती जा रही है कट ऑफ हाई। जैसा कि आप राजस्थान में हर एग्जाम में देखते हैं जितनी कट ऑफ का हम अनुमान लगाते हैं लेकिन उतनी कट ऑफ नहीं जा करके 5 से 10 नंबर हर बार कट ऑफ बढ़ती जाती है। चाहे आप राजस्थान अधीन सेवा बोर्ड का जो हाल ही में टाइपिंग वाला एग्जाम होता है LDC का जिसका रिजल्ट अभी जारी किया गया है, चाहे आप JAVN हेल्पर 2 का देख लो, अभी जो पटवारी का एग्जाम होगा उसमें भी आप देख लेना, RPSC लेक्चर आ रहे इसमें भी कट ऑफ हाई जाएगी। SI का देख लो, LSI का देख लो, PTI देख लो, रीड देख लो, कांस्टेबल देख लो, सुपरवाइजर देख लो, IN देख लो, JN देख लो, 2018 के एग्जाम देख लो या फिर 2019 में जिन एग्जामों के अभी तक एग्जाम नहीं हुए उन सभी एग्जामों में आप देखते जाना दोस्तों कि उनकी कट ऑफ हाई होती जाएगी। क्योंकि अभी तक ये अब हमने ये नहीं किया है तो कभी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो राजस्थान में जो वैकेंसियाँ निकलती वहाँ पर कोई अनिवार्यता नहीं रहती है, न तो भाषा की रहती है न मूल निवासी की रहते हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है जनरल वाले स्टूडेंट को पड़ता है, साथ में पड़ता है SC ST OBC वालों को पड़ता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है वो जनरल वाले स्टूडेंट को पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको बताया जो बाहरी स्टेट के जो स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो SC ST OBC वालों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अप्लाई करते हैं यहाँ पर जनरल से अप्लाई करते हैं। क्योंकि जो SC ST OBC की जो सीटें रहती है वो तो रिजर्व सीटें रहती है, उन पर वो अप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारे जनरल वाले भाइयों को पड़ता है। तो दोस्तों इसमें जनरल वाले भाई SC ST वाले हम सभी एक राजस्थान के हैं, तो दोस्तों जो सभी हम भाई एक, लेकिन जो दोस्तों बाहरी कोटा तय नहीं किया गया राजस्थान में, इस कारण से यहां पर दिन ब दिन कट ऑफ हाई होती जा रही है। आप खुद देख सक लो दोस्तों, वहां पर आप तमिलनाडु से फॉर्म भरोगे, केरल से भरोगे, गुजरात से भरोगे, बिहार से भरोगे, यूपी से भरोगे, कहीं से भी आप भरोगे तो दोस्तों वहां पर उनकी भाषा की अनिवार्यता वहां पर रखी जाती है। अगर भाषा की अनिवार्यता नहीं रखी जाती है तो भी कम से कम आपके पास वहां का 5 साल का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। चाहे आप गुजरात से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए, तमिलनाडु से कर रहे हो तो आपको तमिल आनी चाहिए, केरल से चाहिए तो कन्नड़ चाहिए, और उसके अलावा दोस्तों गुजरात से कर रहे हो तो गुजराती, पंजाब से कर रहे हो तो पंजाबी, महाराष्ट्र से कर रहे हो तो महाराष्ट्र की लैंग्वेज वहां पर आनी चाहिए। दोस्तों वहां पर फॉर्म अप्लाई करने के समय कोई सीमा नहीं रहती है, तो दोस्तों हम वहां पर फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब हमारी ज्वाइनिंग का टाइम आता है तो दोस्तों वहां से ये कह करके हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है कि यहां पर आपकी लोकल लैंग्वेज नहीं है या फिर आपके पास 5 साल का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन हमारे राजस्थान में क्या है, आओ पधारो हमारे देश, तो दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर कोई अनिवार्यता नहीं की गई है, और चाहे कोई सा भी बाहरी स्टेट का विद्यार्थी यहाँ पर आकर के फॉर्म अप्लाई कर देता, और आप खुद देख सकते हैं चाहे आप LDC का एग्जाम दे रहे हैं तो LDC वाले विद्यार्थी खुद देखेंगे कि 5 से 10% आपकी ऑफिस में कोई बाहरी स्टेट के विद्यार्थी वहां पर काम कर रहे हैं। हम खुद भारतीय हैं, हम किसी भी स्टेट के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर वहां पर भाषा और उसके अलावा मूल निवासी की वहां पर अनिवार्यता की गई है दोस्तों, तो दोस्तों हम ये करते या तो वहां पर भाषा और मूल निवासी की अनिवार्यता हटाए या फिर हम राजस्थान सरकार की कांग्रेस सरकार या BJP सरकार उन सभी से यह अनुरोध करते हैं कि हमारे राजस्थान में भी कम से कम 5 से 10 साल का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर राजस्थानी भाषा की अनिवार्यता की जाए, तो जो कि बाहरी राज्यों के लिए अप्लाई की जाए ताकि बाहरी राज्य के विद्यार्थी हमारे यहाँ पर आ करके हमारी वैकेंसियों पर कब्जा ना कर सके। दोस्तों आप खुद देख लेना, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था कि जो हमारे LDC का भी एग्जाम हुआ था दोस्तों, तो उसका अनुमान लगाया गया था कि कट ऑफ 5 से 10% कम जाएगी, लेकिन दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कट ऑफ जो गई है वो 5 से 10 नंबर हर कैटेगरी में ज़्यादा गई है। चाहे OBC देख लो, जनरल देख लो, SC देख लो, ST देख लो, OBC देख लो, MBC जो अनुमान लगाया गया था सब में उसकी कट ऑफ ज़्यादा गई है। चाहे आप JAVN हेल्पर में देख लो, JAVN में OBC और जनरल की कट ऑफ तो 80 नंबर से ज़्यादा गई है। ये क्यों गई है, क्योंकि बाहरी विद्यार्थी यहाँ पर आकर के आराम से हमारी वैकेंसियों पर कब्जा कर लेते हैं, वो यहाँ पर आकर के फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और हमारे राजस्थान के विद्यार्थी तो मुंह ताकते रह जाते हैं और वो यहाँ पर आकर के आराम से जॉब ले जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में आप अभी जिसका LDC में नहीं हुआ या फिर दोस्त हमारे जो JAVN हेल्पर कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है, LDC में जिनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी तक आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन दोस्तों जैसे कि कट ऑफ हाई होती जा रही है और उसके बाद भी आप हर एग्जाम की तैयारी करोगे क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी नौकरी लेने की इच्छा रखते हो, तो दोस्तों आपको हर वैकेंसी पर इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि या तो हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि राजस्थान सरकार की आंखें खुल जाए, और दोस्तों मैंने ये वीडियो आपके लिए ही बनाया। उपेंद्र यादव जी कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, जैसा कि
दोस्तों यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया था 13 अक्टूबर 2019 को ही, पेज नंबर 7 पर आया था, भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा खत्म करने की उपेंद्र यादव ने मांग की थी, क्योंकि बाहरी राज्यों के विद्यार्थी कम से कम 8 से 10% सीटें बाहरी राज्यों के विद्यार्थी ले जाते हैं और हमारे राजस्थान के विद्यार्थी यहाँ पर बेरोजगारी बैठे रह जाते हैं। तो दोस्तों, और उसके अलावा दोस्तों, हम जैसा कि देख चुके हैं हर वैकेंसी में, चाहे अभी आईएएन की भर्ती थी उसमें खुद अखबार में आया था कि 20 से 30% विद्यार्थी जो आईएएन भर्ती में पास हुए थे वो बाहरी स्टेट के पास हुए थे। और आप एलडीसी में भी देख लो दोस्तों, 5 से 10% विद्यार्थी जो पास होंगे बाहरी स्टेट का आराम से जॉब ले जाएंगे और हमारे राजस्थान के विद्यार्थी यहाँ पर मुँह ताकते रह जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और दोस्तों इसको ट्वीट करो, चाहे गहलोत सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, चाहे अशोक गहलोत जी, वसुंधरा जी हो, इसको ट्वीट करो, तो आप 5 साल की मूल निवासी तय की जाए या फिर राजस्थान भाषा की अनिवार्यता तय की जाए दोस्तों, क्योंकि हमें पता है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी आपने खुद देख सकते हैं यहाँ पर केंद्र सरकार में भी जो इंडेक्स आया था, जो इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें 7 से 10% तक बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है अभी तक देख सकते हो आप, मतलब। और जो हमारे भर्तियों में जो कट ऑफ ज़्यादा हाई रहती है उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि भर्तियां कभी भी सही टाइम पर पूरी नहीं की जाती है। आप देख सकते हैं एलडीसी की भर्ती को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर अभी फर्स्ट का टाइपिंग का रिजल्ट आया, उसके बाद में यहाँ पर अभी काउंसलिंग करवाई जाएगी, उसमें 1.5 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, उसके बाद 1 गुना विद्यार्थी को बुलाया जाएगा, उसके बाद में फिर उनकी ज्वाइनिंग की दी जाएगी। इस तरह से भर्तियां बहुत लंबी खींच जाती है। आप खुद देख सकते हैं जो आरपीएससी लेक्चरार की जो भर्ती थी दोस्तों, उसमें भी कितना ही टाइम हो चुका है, 2018 की भर्ती थी, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग पूरी नहीं हो पाई है और अभी तक जनवरी में उसका टाइम दिया गया है दोस्तों। तो जनवरी में भी आप देख सकते हैं वहाँ पर या तो चुनाव की वजह से क्या पता है एग्जाम खिसक जाए, ये हम 100% कह नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि 13 से लेकर के 13 जनवरी उसकी एग्जाम डेट करवाई जाएगी, लेकिन दोस्तों आचार संहिता भी लागू होगी उसी टाइम और इसी कारण से भर्तियां दिन बे दिन आगे बढ़ती जा रही है। और दोस्तों ऐसे क्या होता है, आप खुद देख सकते हैं यहां पर जो फर्जीवाड़ा होता है, आपने जब कांस्टेबल का एग्जाम दिया था 2018 में, तो पूरे एग्जाम सेंटर को हैक कर लिया जाता है और आराम से विद्यार्थी जो फर्जी विद्यार्थी रहते हैं वो आराम से वहां पर बैठ करके दूसरे विद्यार्थियों को वहां पर बिठा करके आराम से सिलेक्शन ले लेते हैं और इससे कट ऑफ बहुत हाई चल जाती है, क्योंकि उन विद्यार्थियों को आराम से कुछ करना नहीं पड़ता, उनको सब कुछ आंसर की सब कुछ उत्तर कुंजा सब कुछ मिल जाती है और उनको कुछ करना नहीं पड़ता, इस कारण से भी कट ऑफ हाई होती जा रही है। और जैसा कि पता है आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम रहते हैं, जिसके आपको एलडीसी का एग्जाम देख लिया होगा आपने, एलडीसी 2013 का देख लिया, एलडीसी 2013 में एक बार पेपर हुआ, फिर उसको कैंसिल करा दिया, फिर ऐसे करके 15-16 में उसका एग्जाम करवाया गया, दोबारा करवाते गए और फिर उसके बाद में ज्वाइनिंग लेट करवाते गए, इसी प्रकार से कट ऑफ हाई होती जाती है। आप खुद देख सकते हैं हर एग्जाम में इस तरह का फर्जीवाड़ा किया जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने आपको बताया, वो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बाहरी विद्यार्थी हमारे राजस्थान की वैकेंसी पर कब्जा करते हैं, क्योंकि ना तो बीजेपी सरकार इस पर कोई ध्यान दे रही है, ना कांग्रेस की सरकार इस पर कोई ध्यान दे, सबको अपनी वोट की राजनीति से मतलब है, ना कोई चैनल वाला ना कोई कुछ भी नहीं बताता इसके बारे में कि किस वजह से कट ऑफ हाई होती जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें यह हमारी तरफ से तो सभी फोरम भरे दोस्तों, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर आपको अपने भाइयों के लिए, आपके भाई बहनों के लिए, सबके लिए आवाज़ उठानी है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बाहरी विद्यार्थी, उसके अलावा जो भर्तियों में लेट लतीफी की जाती है, फर्जीवाड़ा किया जाता है, इसी कारण से हर बार कट ऑफ हाई होती जा रही है। लेकिन दोस्तों आप खुद देख सकते हैं जो अभी एसआई का एग्जाम हुआ था, RPSC SI का एग्जाम हुआ था, 2016 की वैकेंसी है, 2018-19 में उसका एग्जाम करवाया गया, लेकिन अभी तक उसकी फिजिकली उसका करवाया गया, अभी तक उसका एग्जाम नहीं होता। तो आप खुद देख लो 3 से 4 साल इसमें बदल गए। उसके अलावा RS में देख लो, RS का भी अभी तक 2019 होने में आया, लेकिन अभी तक इसका कोई एग्जाम, ना तो इसका कोई नोटिफिकेशन निकाला गया, ना कुछ निकाला गया, फिर ये नोटिफिकेशन ऐसे करते करते 2020 में नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। उसी प्रकार से 2-3 साल के विद्यार्थी, क्योंकि बेरोजगार विद्यार्थी दिन बे दिन बढ़ते जा रहे, लाखों की संख्या में बेरोजगार बढ़ते जाते हैं हर बार, और वो विद्यार्थी फिर उसमें ही अप्लाई करेंगे, इस कारण से कट ऑफ हाई होती जा रही है। और आप दोस्तों मैं इसलिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूं दोस्तों कि
मतलब हमें ये इन चीज़ों इन मुद्दों को भी हमें समझना पड़ेगा, इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। आज नहीं समझे तो दोस्तों कभी नहीं आएगी, क्योंकि हम खुद बेरोजगार है। अगर हमने हमारे हक की आवाज़ नहीं उठाई है दोस्तों, तो फिर हम कब हमारे हक की आवाज़ उठाएंगे दोस्तों। क्योंकि सभी भाई बहनों के लिए हमने ये वीडियो बनाया, सभी भाई बहनों को इसमें सामने आना पड़ेगा। और एक बार हमें इसके लिए भी सरकार से ट्वीट करके, चाहे आंदोलन करके, हड़ताल करके, किसी भी तरह से हमें हमारे हक की आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, यूपी में भी जब आपने देखा, यूपी में जो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, एसआई की भर्ती हुई थी, रीट की वहाँ पर टीचर की भर्ती हुई थी दोस्तों, तो हमने वहाँ पर हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों ने वहाँ पर फॉर्म तो अप्लाई कर दिया। लिए कई बार अखबार में भी आ चुका है, तो हम हमारे राजस्थान के बेरोजगार वहाँ पर अप्लाई तो कर देते हैं, फीस जमा करा देते हैं, लेकिन जब वहाँ पर ज्वाइनिंग की बारी आती है दोस्तों, तो वहाँ पर हमें ये कह करके मना कर दिया जाता है कि नहीं, तो आपके पास यहाँ का मूल निवासी प्रमाण पत्र है, और ना उसके अलावा आपके पास यहाँ पर भाषा, आपको लोकल लैंग्वेज आती है। इस तरह से हमारे राजस्थान के बेरोजगारों को निकाल दिया जाता है दोस्तों। और आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि जो सरकार अभी वैकेंसियाँ निकालती है, आपने चाहे वसुंधरा जी की देख लो या गहलोत जी सरकार देख लो, वसुंधरा जी ने भी वैकेंसियाँ एक दो वैकेंसी के बाद में, 5 साल बाद ही वैकेंसी निकाली थी उन्होंने, और एक साथ इतनी सारी वैकेंसी निकाली कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी तो कन्फ्यूज हो गए किस किस की तैयारी करूँ इस करते करते दोस्तों। और वो एक साथ वैकेंसियाँ निकालते हैं तो दूसरे विद्यार्थी जो एक पेपर देता है वो सारे पेपर देते हैं। कई ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जो 3-4 वैकेंसियों में सफल हो जाते हैं, और इस तरह से हमारे बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं वो तो बेरोजगार रह जाते हैं, और एक विद्यार्थी रहता है जो 3-4 सीटें ले जाता है। तो दोस्तों हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं, अगर आपको वैकेंसियाँ निकालनी तो साल में छोटी छोटी कर करके साल में वैकेंसी निकालो। और जैसा कि गहलोत जी ने, आपको खुद देख सकते हैं, गहलोत जी ने 77,000 वैकेंसियों की बोला था बजट में, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। ये सारी सरकारें इसी तरह से करती है दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप देखना, अभी निकाय चुनाव है, दिसंबर तक ये वैकेंसियाँ निकालेंगे, फिर इसका मतलब 2020 तक इसके एग्जाम करवा, ऐसे करते करते ये लंबा टाइम खींच देते हैं। एक एक पेपर करवाते, पटवारी का एग्जाम देख लो आप, पटवारी में एक पेपर करवाते, दो पेपर करवाते, इसी तरह से लेट होता जाता है। कभी उस पर रीट लग जाती है, कभी फर्जीवाड़ा हो जाता है, कभी पेपर कैंसिल हो जाता है, कभी दोबारा उसके फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, और हमारे राजस्थान का विद्यार्थी मुँह ताकता रह जाता है। और दोस्तों आप खुद देख सकते हैं, रेलवे के एग्जाम हुए, कब फॉर्म भरवाए थे, 2018-2019 के शुरू में उसके फॉर्म भरवाए गए थे, एनटीपीसी के, लोको पायलट ग्रुप डी के, एनटीपीसी के फॉर्म भरवाए थे, लेकिन अभी तक इसका कोई पेपर नहीं करवाया गया है दोस्तों। और दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम नहीं करवाती, इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक साल में इनके 7 से 1 महीने के अंदर अंदर इनके 7 से 8 करोड़ रुपए की बचत होती है। क्योंकि अगर विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाती, आप खुद देख सकते हैं, अगर LDC वाले विद्यार्थियों को भी ज्वाइनिंग दे दी जाए तो 7 से 8 करोड़ उनकी सैलरी में खर्च हो जाते हैं। तो इसी कारण से ये सरकार हमारी हमारे बेरोजगारों के साथ धोखा करती है। जब चुनाव का टाइम आता है तब तो वोट बैंक मांग लेती है, वोट के खातिर हमारे घरों पर आ जाती है, लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद इनका कोई ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि इनका बच्चों का भविष्य तो सुरक्षित है। एक बार कोई विधायक MLA बन जाता है तो वो आराम से अपने साथ पूछते वहां पर बैठ करके खाती है, लेकिन हम बेरोजगारों को क्या है, बेरोजगार मुंह ताकता रहता है। किस तरह से वो एक गरीब आदमी, किस तरह से एक गरीब किसान अपने बच्चों को किस तरह से, मतलब आप खुद देख सकते, किस तरह से उनको पैसे बेचता होगा, अपना कलेजा चीर करके वो अपने बेटों को पढ़ाता लिखाता है कि मेरा बेटा आएगा खुद की कमाई से मेरे लिए कुछ लेकर आएगा। लेकिन हमारे विद्यार्थी बस उनको मतलब पेपर का इंतजार करते हैं, पेपर भी हो जाता है, पहले तो वैकेंसियों का इंतजार करते हैं, फिर पेपर का इंतजार होते हैं, फिर रिजल्ट का इंतजार करते हैं, फिर वेटिंग लिस्ट का इंतजार करते हैं, फिर ज्वाइनिंग का इंतजार करते हैं, ऐसे करते करते 3 से 4 साल निकल जाते हैं दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी तो इसी वजह से रह जाते हैं कि नहीं, इस वाली वैकेंसी में नहीं होगा, इस वाली वैकेंसी में होगा, लेकिन सरकार क्या करती है दोस्तों, वैकेंसियाँ ही नहीं निकालती है, वैकेंसियों में इतनी लेट लती भी कर देती है कि हमारा राजस्थान का बेरोजगार युवा मुँह ताकता रह जाता है, और वैकेंसियाँ नहीं निकाल पाती है। और किसी बहुत सारे गरीबों की तो उनके घर वाले ज़मीनें गिरवी रख करके ये खुद करते हैं दोस्तों, उनके किस तरह से एक गरीब माँ बाप के बेटे बेटी किस तरह से पढ़ाते हैं। जब एक सरकारी नौकरी वाला आदमी ही परेशान हो जाता है अपने बेटों को खर्चा देते देते, तो आप खुद देख सकते हैं एक गरीब किसान किस तरह से अपने कलेजों को चीन करके कैसे दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता होगा दोस्तों। अगर वीडियो सही लगे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।